सबों को झारखंडी जोहार। मैं मार्कुस मुंडू और मेरे साथ में है मेरा सहयोगी सुलेमान सोय। और अभी हम दोनों एक मैदान में हैं और यहाँ पर हम दोनों एक वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि ज़मीन के नीचे में पानी का लेयर कहाँ पर है और उसको कैसे जांच करके मालूम किया जाता है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ और कैसे प्रमाणित करता हूँ कि यहीं पर पानी है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि जब कभी भी आप लोग अपने खेतों में या तो अपने घर के पास में बोरिंग करने के लिए सोचते हैं तो ज़रूर उस जगह को आप लोग किसी जानकार व्यक्ति से ज़मीन का जांच करा लीजिए कि वहाँ पर पानी का लेयर है या नहीं। नहीं तो आप लोग बोरिंग वाले को बुलाएंगे, वो 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट बोरिंग करेंगे, अगर पानी नहीं मिला तो आपका पैसा बेकार में गया। बोरिंग वाला तो भाई आपसे फीस तो लेगा ही। इसलिए किसान भाइयों, आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए बातों को, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूरत पड़े तो ज़रूर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो आइए देखिए आप लोगों के सामने मैं पानी का जांच कैसे करता हूँ, देखिए वीडियो पर बने रहिए। ये मेरा बायां हाथ में नारियल है और मैं आगे बढ़ता हूँ तो नारियल पर क्या प्रतिक्रिया होता है उसको देखिए। मेरा बायां हाथ देखिए कैसे मैं उठाया हूँ और कैसे नारियल को उस पर रखा हूँ। देखिए मैं उंगली को इधर उधर हिला रहा हूँ कि नहीं हिला रहा हूँ उसको भी आप लोग देखिए। देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ और नारियल अपने आप सीधे खड़ा हो गया। इसका मतलब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर मेरा बायां पार है, वहाँ पर ज़मीन के नीचे में पानी का लेयर है, और इस जगह पर अगर बोरिंग किया जाए तो यहाँ पर 2 HP पंप 2-3 घंटा तक आराम के साथ पानी देगा, और इस जगह से अगर 1 मीटर दायां या बायां या कहीं भी थोड़ा दूरी में अगर बोरिंग करेंगे तो 1000 फीट भी बोरिंग किया जाए पानी ज़रूर थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन जल्दी पानी ख़त्म हो जाएगा। और इस जगह पर बोरिंग किया जाएगा तो पानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा, पहचान यही है। आप लोग, और एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, शरीर में, हमारे शरीर में कहीं पर भी अगर सुई से थोड़ा भी जुब दिया जाए तो वहाँ से खून तो निकलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद खून का निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर जिस सिरा से खून का आना जाना होता है उसी पर अगर सुई से छेद किया जाए तो खून का बहाना बंद नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग समझिए, ज़मीन में जहाँ पर पानी का लेयर है, जहाँ पर पानी का स्रोत है, उसी के ऊपर में अगर बोरिंग करेंगे तो पानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इस बात को आप लोग समझिए। और यहाँ से मैं पीछे हटता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये नारियल अपने आप गिर गया, और आगे बढ़ूँगा तो देखिए, देखिए मेरा उंगली को भी देखिए भाई, नहीं तो उंगली से इधर उधर कर रहा है बोलेंगे।
अब देखिए अब पीछे हटूंगा तो क्या होता है, आगे बढ़ूंगा तो क्या होता है, देखिए ये यही पहचान है। इसका मतलब है कि मेरे शरीर में गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, पानी का गुरुत्वाकर्षण। ये सभी व्यक्तियों का शरीर में काम नहीं करता भाई, ये अपना अपना ऊपर वाले का देन है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आप लोगों के सामने प्रकट रूप से आप लोगों को बता रहा हूँ कि परमेश्वर ऊपर वाले ने मुझको ये वरदान दिया है कि मैं आप लोगों को बता सक रहा हूँ कि ज़मीन पर कहाँ पर पानी है और कहाँ पर नहीं है। बहुत आदमी बहुत तरह से पानी का जांच करते हैं, बांस के द्वारा, तंबा तार के द्वारा और बहुत तरह से करते हैं। बांस और तंबा तार से पानी का जांच जरूर किया जाता है, लेकिन ये सटीक रूप से नहीं बता सकते हैं कि इसी जगह पर है। थोड़ा सा उसमें संदेश पद बताते हैं कि इस जगह पर बोरिंग करने से पानी मिलेगा, और नरियल में ये सटीक पॉइंट बताता है कि जिस पॉइंट पर अगर उंगली भी रखूंगा ना वहाँ पर तो नारियल सीधा होगा। अगर जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर थोड़ा सा इसको डाउन कीजिए तो ताकि ज़मीन छू के भी मैं बता सकूँ। नीचे वाला उसको डाउन कीजिए तो दर्शक लोग देखेंगे, और डाउन कीजिए मैं बैठ रहा हूँ। देखिए हाँ, और देखिए मैं यहाँ पर ये नारियल गिर रहा है, और जहाँ पर मैं हाथ रखूँगा सही जगह पर तो नारियल अपने आप खड़ा हो जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि मैं जहाँ पर हाथ रखा हूँ वहाँ पर पानी का लेयर है, और यहाँ से हाथ हटाऊँगा गिर जाएगा। ये फिर रखूँगा, देखिए ये। तो किशन भाइयों, आप लोग इस बात को समझिए और ज़रूर ज़मीन का जांच कराइए। और मेरा संपर्क नंबर मैं आप लोगों को मेरे वीडियो पर दे रहा हूँ, ज़रूर आप लोग पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूरत पड़े तो मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद। बंद कर।